अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन, जब बर सगीर के मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने अपना फजल फरमाया और बर सगीर के मुसलमानों की शब रोज की मेहनत के नतीजे के अंदर बिलाखर बर सगीर में मुसलमानों को आज़ादी मिली। हमने अपनी मेहनत को, जोद मुसलसल को, पाकिस्तान को हकीकी पाकिस्तान बनाने के लिए हमें अपनी भरपूर कोशिश और जदोजहद करनी है। रुक जाते हैं, जो थक जाते हैं, जो ठहर जाते हैं, वो कभी भी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। और ख़ास तौर पर मैं अपने नौजवानों को ये बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान जो कि इसकी 65% आबादी नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है, नौजवान मायूस होकर इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कितने हैं जो मुल्क छोड़ देंगे? 24 करोड़ हैं, तो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ छोड़ देंगे, बाकी तो हमने इस मुल्क के अंदर रहना है। तो क्यों ना हम अपने वतन को संवारे, हम अपने वतन को खूबसूरत बनाए, इस मुल्क को उस मकसद के ऊपर हम लेके आए जिस मकसद के लिए हमारे बाजदाद ने कुर्बानियाँ की थी। 14 अगस्त का मतलब नहीं है कि आप हल्ला गुल्ला कर लें, शोर मचा लें और बस 14 अगस्त हो गया, बल्कि ये तजदीद का दिन है। हमने इस बात का अहद करना है कि जो कोताहियाँ हो गई वो हो गई, अब हम कोताहियों पर नज़रसानी करेंगे, हम गौर करेंगे और जहाँ जहाँ हमारी गलतियाँ हैं हम उनकी इस्लाह करके इस पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बनाएंगे।